Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to start a new unit and a new chapter. It is unit 4 and chapter 6, and I'm not going to tell the name directly. Naam directly kyun nahi bataunga, kyunki fir maza kharab ho jayega uska. To usko tarike se introduce karte hain. अभी तक थर्ड यूनिट में हम पढ़ चुके हैं कि हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड, एम्पियर और बायोट सेबर्ट, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने मिलके एक ही बात पे जोर दिया हमें एक्सप्लेन करने के लिए, क्या कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं. क्या होते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट्स. अब हमारे दिमाग में एक उल्टी बात आई. उल्टी बात क्या आई कि अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट्स को बर्थ दे सकती है, इज द वाइस वर्सा पॉसिबल? क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है? हैव यू एनीथिंग अराउंड योर सेल्फ जहां पे आप मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सको या उसको कम ज्यादा कर सको या कैसे भी? यस, यू डू सो. यू डू सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. इलेक्ट्रिक जनरेटर में आप करते क्या हो? मैग्नेटिक इफेक्ट्स को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हो. और शर्त वहां पे क्या होती है कि मैग्नेट्स या मैग्नेट्स में रखी हुई कॉयल जो है वो मूव करनी चाहिए. सो वी कैन से दैट मूविंग मैग्नेट्स कैन गिव बर्थ टू इलेक्ट्रिसिटी राइट? ये बात सच है. तो इस फिनोमेना को किस चीज का नाम दिया गया? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन. क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन. टेंथ में पढ़ा है इसके बारे में. दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड द यूनिट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन. तो अब आपको ये पता चल चुका होगा कि इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर सिक्स में, अच्छा साथ में एक और भी चीज है, अल्टरनेटिंग करंट्स. लेकिन एसी के बारे में चैप्टर सेवन में पढ़ेंगे, ठीक है? चैप्टर सिक्स में तो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ाने से पहले मुझे एक और फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी होगी. उस क्वांटिटी के बिना इसकी डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट समझने आसान नहीं है. सो I'm going to talk about magnetic flux. अब इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो समझना कुछ मुश्किल नहीं है. क्या होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस आर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स passing through an area normal to it. Suppose करो मेरे पास यहां पे कोई surface area है. इस surface area में से इसके normally, मतलब इसके surface area के perpendicularly कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं क्या बोलूंगा? फ्लक्स बोलूंगा. अब ये जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, कैसे डिनोट करते हैं? बी के साथ. बात समझ गए? फाई के साथ सबस्क्रिप्ट क्या डाल देते हैं? बी. जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई डाल देते थे. ये किस किस बात पर डिपेंड करेंगी? एक तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है. ऑफकोर्स जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइन्स होंगी. दूसरा डिपेंड कर जाता है ये एरिया पे. कब? जब हमारे पास
जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नॉर्मल है, उसी तरफ इसका एरिया वेक्टर होता है, राइट। तो इसका मतलब यहां पे जो फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस के ऑलरेडी नॉर्मल थी, बट ये भी तो चांस हो सकते हैं कि आपका जो एरिया है वो ऐसे टिल्टेड पड़ा है, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पर जो लूप है वो लूप थोड़ा ऑब्लीकली पड़ी है, मतलब लूप का जो एरिया वेक्टर है एन कैप वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इस केस में आपका फॉर्मूला फ्लक्स का कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, देखिए तब हम क्या करेंगे कि जो एरिया वेक्टर है उसका कॉस कंपोनेंट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉस कंपोनेंट। तो इस केस में जो अपनी फ्लक्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, बी, और एरिया का कॉस कंपोनेंट कौन सा, ए कॉस थीटा। अगर बाय चांस ये एरिया सीधा पड़ा होगा, फील्ड टेढ़ा होगा, फील्ड ऑफ लीक होगा, तो फील्ड का कॉस कंपोनेंट ले लेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है उससे। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा, या फिर आपको पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो डॉट प्रोडक्ट को बर्थ देता है, सो आई कैन राइट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स, ये जनरल फॉर्मूला है, इससे ये वाला फॉर्मूला बन सकता है, कैसे, सेम डायरेक्शन में है तो थीटा जीरो हो गया, व्हाट इज कॉस जीरो, दैट इज वन, तो बी इंटू ए तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है, दैट इज वाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस इज जनरल फॉर्मूला, ओके। अब आप कहोगे कि सर आप तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए काम करते जा रहे हो, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो क्या करोगे आप। सर देखो, मैं मान लेता हूं कि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, राइट, ये एक सरफेस है जिसका सरफेस एरिया ए है, अब ये सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर होगा, दैट इज समथिंग यू नो ऑलरेडी। इसमें से फील्ड पास कर रहा है लेकिन फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं पे लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पे कम है। अब क्या करो, इस पूरे एरिया को ध्यान से देखो, इस पूरे एरिया में से कुछ तो भाग, कुछ तो पोर्शन ऐसा जरूर होगा, अगर उसको छोटे छोटे पोर्शन में मैं तोड़ लूं, जिसमें से फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि अगर मेरे पास यहां पे कोई एरिया है और इसका एक छोटा सा पोर्शन है, राइट, इतने से पोर्शन में अगर पूरे एरिया में से फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो इसके छोटे से किसी हिस्से को चूज कर लेता हूं जहां से फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, दैट से वो इस हिस्से में यूनिफॉर्म है, राइट, और कितना एंगल बना रहा है एरिया वेक्टर के साथ, थीटा। तो यहां पे अगर मैं थोड़ी सी फ्लक्स फाइंड आउट करूं इस थोड़े से हिस्से के लिए तो मेरे पास क्या बनेगी, इट मस्ट बी, लेट्स से इतने से पोर्शन का एरिया कितना है डी ए, वो बनेगी बी इंटू डी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, या मैं सिंपली लिख दूं बी डॉट डी ए, इतना सा बनेगा ना। अगर टोटल फ्लक्स देखनी है तो मैं क्या करूं, टोटल फ्लक्स देखने के लिए मैं इंटीग्रेट कर दूं किसको, डी फाइव को, तो क्या आएगी फाइव बी, आगे डी फाइव बी की वैल्यू क्या है, बी डॉट डी ए। यानी कि अगर किसी जगह पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, फील्ड बदलता जा रहा है, तो वहां पे आप टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से। जनरल फॉर्मूला ये, अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो इंटीग्रेशन करके, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन की फॉर्म में दिया होगा हमेशा, राइट। इसके अलावा फ्लक्स के बारे में और क्या बातें जान लेनी जरूरी है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके डायमेंशंस, एसआई यूनिट। अच्छा, पहली बात तो स्केलर क्वांटिटी है, मैं लिख दूं यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम में ये काम आते हैं, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी अक्सर पूछा जाता है, ये बच्चे इसको अक्सर वेक्टर लिख जाते हैं, अरे भाई नंबर है ये, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा जो इसकी एसआई यूनिट है
वो है वेबर। क्या है? वेबर। कैसे लिखते हैं? WBC, साइंटिस्ट के नाम के पीछे। एक वेबर का मतलब कितना होता है? जब एक न्यूटन का, सॉरी नॉट वन न्यूटन, एक टेस्ला स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड हो और कहां से पास कर रहा हो? किसी ऐसे सरफेस एरिया से जिसका एरिया 1 meter square हो। सो 1 weber इज इक्वल टू 1 tesla इन टू 1 meter square, राइट। जो सीजीएस यूनिट है इसकी, सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल, इट इज अगेन आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसका पूरा नाम है मैक्सवेल। एक मैक्सवेल का मतलब होता है कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेंथ, एक गॉस का हो और एरिया कितने का हो? 1 centimeter square का। कितने का? 1 centimeter square। गॉस को तो कैपिटल जी से लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि जो एक मैक्सवेल है वो एक गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। बात समझ गए? अगर इनकी इंटरकन्वर्जन देखनी है आपस में, तो जो एक वेपर होगा, देखो टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10,000। मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? वो भी 10,000। तो ये कितनी जीरोस बनी? सॉरी, यस, 10,000 × 10^8। तो इसका मतलब एक वेबर जो होता है वो 10^8 मैक्सवेल के बराबर होता है। बात समझ में आई? चलिए अब आ जाते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला पे। किस पे? डायमेंशनल फॉर्मूला। फ्लक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन से फॉर्मूला से याद करो? मैंने बताया था उस वक्त भी, ये फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने कहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान यही है अगर आपको बी की डायमेंशन निकालनी हो, बाकी सब उसके नीचे रहो। तो वहां से देखा, अब यहां पे कर देनी है वैल्यू सब्स्टिट्यूट। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2, राइट, इनटू एरिया क्या क्या हो गया? L2। चार्ज का क्या होता है? AT। वेलोसिटी का क्या होता है? LT-1। अब ध्यान से देखो, ये वाले T-1 से ये T+1 गया, ये वाले L से ये वाला L गया। अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा? स्क्वायर ब्रैकेट, एक तो m बचा, एक l की पावर 2 बची, एक t की पावर -2 बची, एक a की पावर -1 बची। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द फ्लक्स। समझ गए आप इस बात को? अब फ्लक्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? किसी भी सरफेस जिसके थ्रू हम फ्लक्स देख रहे हैं, अगर उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो पॉजिटिव फ्लक्स होंगी, अगर उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड टोटली अपोजिट हुए 180 के एंगल पे तो फ्लक्स क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी, राइट। चलिए, अगर आपको ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो मैं फाइनली आपको सेफली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे लेके जा सकता हूं। क्या होती है डेफिनेशन, एक बार फिर से दोहराओ। व्हाट आर मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली टू इट। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? BA cos θ। चलो, इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ये एक फिनोमेना है। किस चीज का? टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF। और EMF क्या पैदा करता है? EMF पैदा करता है करंट। तो मैं लिखता हूं हेंस इंड्यूस्ड करंट। कैसे पैदा कर पाते हो ये करंट? इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF बाय चेंजिंग, क्या चेंज करके? द मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया होगा, क्यों पहले पढ़ाया मैंने। बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड
विद ए क्लोज्ड सर्किट, किसी क्लोज्ड सर्किट से जुड़ी मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव करके जो आप इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करते हो, पहले ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ कॉजेज द करंट, ईएमएफ करंट को पैदा करता है, ठीक है, जो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करते हो, इस फिनोमिना को, इस घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया गया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारी डेली लाइफ में एसी जनरेटर्स में जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं बाहर बड़े बड़े खंभों के ऊपर रखे होते हैं, ये सारे किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो नॉलेज है हमें ये माइकल फैराडे ने दी थी, किसमें, माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे कुछ और वहां से हमें ये नॉलेज दी थी। तो उनके एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ समझने हैं आपको, ठीक है, समझ आ गए तो एग्जाम में अगर कभी आते हैं, वैसे बहुत कम चांसेस हैं, इसके कंक्लूजन्स, इसका जो क्रक्स निकल के आएगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में माइकल फैराडे ने क्या किया था, क्वाइल तो रखी थी स्टेशनरी, जो मैग्नेट थी वो रखी थी मूविंग। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास यहां पे एक क्वाइल है, राइट, इस क्वाइल के साथ मैंने कोई गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है, राइट, शुरू में कोई करंट नहीं तो गैल्वेनोमीटर की कोई रीडिंग नहीं, मतलब इसकी नीडल ऐसे सीधी सेंटर में रहेगी। अब मैं क्या करता हूं, एक बार मैग्नेट ले लेता हूं, बार मैग्नेट की कौन सी साइड, नॉर्थ पोल वाली साइड, उस बार मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करवाता हूं, किस वेलोसिटी से, लेट्स से वी वेलोसिटी से। व्हाट डू आई सी, आई सॉ दैट कि जो गैल्वेनोमीटर है वो एक साइड डिफ्लेक्शन देता है, अब मुझे नहीं पता किस साइड देगा, मैंने बस अज्यूम कर लिया कि एक साइड डिफ्लेक्शन देता है, राइट। अब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आने का मतलब है कि यहां पे कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस हुआ है। पहली ऑब्जर्वेशन, व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द क्वाइल द गैल्वेनोमीटर गिव अ डिफ्लेक्शन, बात समझ रहे हैं आपने, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, अगर सेम क्वाइल लेके जो कि गैल्वेनोमीटर सेंटर में, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, अगर आप इस बार मैग्नेट को दूर ले जाते हो, अगेन गैल्वेनोमीटर गिव्स अ डिफ्लेक्शन, बट अगर वो पहले डिफ्लेक्शन सेंटर से राइट की तरफ दे रहा था तो किधर को देगा, लेफ्ट की तरफ देगा, अगर पहले लेफ्ट की तरफ दे रहा था तो अब किधर देगा, राइट की तरफ देगा। तो ये पता चलता है कि मैग्नेट को दूर लेके जाने से भी क्वाइल में क्या पैदा हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है। तीसरी बार मैंने मैग्नेट को क्वाइल के पास ऐसे स्टेशनरी रख दिया रेस्ट में, तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो जीरो पे ही रही, इसका मतलब जब मैग्नेट रेस्ट में है तो गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं देगा। चौथी ऑब्जर्वेशन, अगर मैं सारा एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करूं, क्या यूज करके, साउथ पोल यूज करके, मतलब एक बार पास लेके आऊं, एक बार दूर लेके जाऊं, एक बार रेस्ट पे रखूं, तो सेम ऑब्जर्वेशन आती है, मतलब जब पास लेके आऊंगा या दूर लेके जाऊंगा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, जब रेस्ट पे रखूंगा तो डिफ्लेक्शन नहीं देगा। पर एक बात डिफरेंट थी, अगर नॉर्थ पोल को नजदीक लाने से नीडल इधर को जा रही थी तो साउथ पोल को नजदीक लाने से नीडल उधर को जा रही थी, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन तो सेम होंगी बट डिफ्लेक्शन अपोजिट होगी, वो तो है ही फर्क, नॉर्थ पोल के साथ डिफरेंट डायरेक्शन में, साउथ पोल के साथ डिफरेंट डायरेक्शन में, पास लाओ तो डिफरेंट डायरेक्शन में, दूर लेके जाओ तो डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफ्लेक्शन आ गई थी। लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट से एक बात पक्की हो गई थी कि जब कॉयल के विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो करंट पैदा होता है, एक ईएमएफ और करंट पैदा होते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बारी आती है, ऐसा क्यों हुआ, जब मैं इसको पास में ला रहा था तो इस नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही थी वो सारी की सारी कहां से पास कर रही थी, वो सारी की सारी कॉयल से पास कर रही थी। जितना मैं नजदीक लाता गया
उतनी कॉइल से जुड़ी हुई फ्लक्स इंक्रीज होती गई। उन इंक्रीजिंग फ्लक्स ने क्या पैदा किया? ईएमएफ पैदा किया। और ईएमएफ ने क्या पैदा किया? करंट पैदा किया। आप समझ रहे हैं? फ्लक्स क्या कर रही थी? इंक्रीज कर रही थी, मतलब चेंज कर रही थी। अगर मैं इसको दूर लेके जा रहा था मैग्नेट को, तो कॉयल से जुड़ी हुई फ्लक्स की गिनती कम हो रही थी। क्यों? आप दूर लेके जाओगे ये फैलता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको दूर ले गए तो कुछ लाइंस तो कॉयल के बाहर से निकल गई, कुछ लाइंस अंदर से जा रही थी। मतलब पहले के कंपैरिजन में तो कॉयल से फ्लक्स क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। डिक्रीज मतलब कोई चेंज आ गया। तो अब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। दो चीजें समझ में आ गई। लेकिन जब मैंने इसको ना पास लाया ना दूर लेके गया, इसको एक ही जगह पे रखा ऐसे स्टेशनरी, तो इसमें से जो फ्लक्स पास कर रही थी वो ना इंक्रीज कर रही थी ना डिक्रीज कर रही थी, उनकी अमाउंट क्या थी? कांस्टेंट थी। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट है तब हमें कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट नहीं मिल रहा। सो क्या पता चल रहा है यहां से कि अगर कॉयल से जुड़ी हुई फ्लक्स जो है वो चेंज करेंगी तो करंट पैदा होगा। पहली कंक्लूजन आपके पास निकल के आ जाती है, राइट? अब दूसरी बात यहां पे क्या है कि अब मैं क्या करूं? अब मैं यहां से अगर एक्सपेरिमेंट टू की बात करूं और मैग्नेट को स्टेशनरी रखूं, कॉयल को क्या कर दूं? मूव कर दूं। कॉयल को क्या कर दूं? मूविंग कर दूं। मतलब ये मैग्नेट पड़ी है, इसका नॉर्थ पोल है, यहां पे जो कॉयल है, राइट, इसको किसी ऐसे सपोज ट्रॉली पे रखा हुआ है विच इज मूवेबल, ये कोई फ्लोर है, सरफेस है। तो अगर मैं इस ट्रॉली को आगे या पीछे करता हूं, अगेन आई सी दैट कि गैल्वेनोमीटर क्या देता है? डिफ्लेक्शन देता है। और सेम टाइप की ऑब्जर्वेशन मिल रही है, मतलब दोनों में से चाहे कॉइल को मूव करवाओ, चाहे इसको इधर चाहे इसको इधर, दोनों तरफ मोशन अलाउड है, ठीक है। इवन आप नॉर्थ पोल से दूर लेके जाओ तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, पास लेके आओ तो भी डिफ्लेक्शन दे रहा है, एक ही जगह पे खड़ा रखो तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। इसका मतलब यहां पे भी ये पता चलता है कि अगर इवन मैग्नेट को भी रेस्ट पे रख के कॉइल को मूव करवाएं तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होते हैं। लेकिन मैंने यहां पे एक अलग ऑब्जर्वेशन देखी जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में नहीं देखी थी। वो क्या थी? अगर मैं इस ट्रॉली को तेजी से मूव करवाता हूं विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन लार्ज है, अगर स्लोली मूव करवाता हूं तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन स्मॉल है। तो क्या पता चल रहा है कि ये जो रिलेटिव मोशन है इसका फास्टर या स्लोअर होना भी ईएमएफ और करंट को अफेक्ट करता है। अगर आप इसको तेजी से मूव करवाते हैं पास या दूर तो ईएमएफ भी ज्यादा होगा, अगर स्लोली मूव करवाते हैं तो ईएमएफ भी कम होगा। इसका कारण क्या हो सकता है? एक्चुअली नॉर्थ पोल से फ्लक्स मिल रही थी, अगर मैं इसको नजदीक लेके आ रहा हूं तो फ्लक्स ज्यादा मिलेंगी तो ईएमएफ ईएमएफ क्या है यहां पे प्रोड्यूस होगा, अगर दूर लेके जा रहा हूं तो भी फ्लक्स चेंज हो रही है तो भी ईएमएफ पैदा होगा। पर एक बात पक्की है, जितना तेजी से मूव करवाऊंगा फ्लक्स में इंक्रीज या डिक्रीज भी उतना ही फास्टर होगा, तो उतना ही ज्यादा क्या पैदा होगा? ईएमएफ। इसका मतलब फ्लक्स का चेंज होना ईएमएफ पैदा करता है। फ्लक्स का कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, फ्लक्स में बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है, हाउ स्पीडली द फ्लक्स आर चेंजिंग, ये भी ईएमएफ की मात्रा को अफेक्ट करता है। पहली बात क्या बताई? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या कहता था? फ्लक्स चेंज करेंगी तो ईएमएफ पैदा होगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? अगर फ्लक्स तेजी से चेंज करेंगी तो ईएमएफ ज्यादा होगा, फ्लक्स स्लोली चेंज करेंगी तो ईएमएफ कम होगा। तो ईएमएफ यहां पे दो बातों पे निर्भर करता है, एक तो फ्लक्स के चेंज होने पे, दूसरा टाइम पे भी, ठीक है। तेजी से चेंज होंगी तो ज्यादा फ्लक्स, ठीक है,
ज्यादा फ्लक्स चेंज और ज्यादा ईएमएफ, स्लोली मूव करवाएंगे तो कम फ्लक्स चेंज और कम ईएमएफ। ये दो बातें इन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल जाती है, राइट। इससे आगे का जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है और इसके कंक्लूजन जो हैं वो हम अगली वीडियो में कंक्लूड करेंगे, राइट। थैंक यू।